उस ऐसे में मैंने ऐसे ऐसे, ऐसे पॉइंट्स लिखे जिससे लगा कि डॉक्टर इतना सब कुछ करते हैं यार ये तो बनना चाहिए ऐसे और उसी साल मेरे साथ एक और इंसिडेंस हुआ फाइनल एग्जाम से कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी इवन बहुत सारे खुद से मेडिसिन लेने पर भी जब वो ठीक नहीं हुआ तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया उन्होंने कुछ नहीं बस एक ब्लड टेस्ट ठीक किया और उसी से बता दिया कि मुझे टाइफाइड है और बस दो तीन दिन के ही कोर्स से लगभग चौदह दिन का बस उन्होंने टेबलेट दिया सिप्रोप्लेक्शोसिन और उसी में मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैंने यही सोचा कि डॉक्टर कितना महान होता है कि बस एक नॉर्मल स्टेटों से चेक करने के बाद और एक सिंपल टेस्ट करने के बाद ही जब वो किसी लोगों के चेहरे पर स्माइल ला देता है उसके सारे दुखों को एक हंसी में बदल देता है तो मुझे भी यही बनना है तो उसी टाइम से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी डॉक्टर बनना तब पता नहीं था कि कैसे क्या करना है बस मुझे बनना था हेलो एवरीवन मेरा नाम रोशनी कुमारी है और मैं दरभंगा ज़िले की निवासी हूँ और मैंने वर्ष 2019 में नीट क्रैक किया था मेरे 607 मार्क्स आए थे विद 6319 हजार रैंक थे और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ ला दिया जो मुझे जरूरत थी इनफैक्ट उससे भी ज्यादा दिया जैसे ही नाइन्थ में गई तो उस टाइम में एस चंद बायो की बहुत ही मोटी आती थी लगभग इतनी मोटी थी और उसी बुक्स में ना भैया ने बस मुझे बोला कि ये पढ़ लोगे तो अच्छे से तुम्हारा नीट में सेलेक्शन हो जाएगा मतलब ये और थोड़ा अलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ना रहता तो मैंने वही सोचा मैंने उस बुक को ना लगभग छह मंथ में मैंने एक एक लाइन उसका पढ़ लिए थे या इनफेक्ट इंसिडेंस ये था कि एनिमल किंगडम में जितना भी उस के डाटा दिया हुए थे सारे मैंने याद कर लिए थे सारे उसके साइंटिफिक नेम सब कुछ लगभग आधा कवरेज मेरा वहीं पे मेन मेन चैप्टर्स की तरफ हो गया था और इसके बाद जब टेंथ में टेंथ से जी लाने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा घर में सबने पूछा कि आगे क्या करना तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे डॉक्टर बनना तो उन्होंने कहा कि ठीक है कहाँ से पढ़ाई करनी आगे जाना है कहीं बाहर जाना है या यहीं दरभंगा से प्रिपेयर करना मुझे बाहर जाने से बहुत डर लगता है पता है नहीं फैमिली के बारे के बारे में सोच के कि मैं बाहर कैसे सर्वाइव करूँगी तो मैंने बोला कि नहीं और तब मैंने न्यूज़पेपर में बस एक दो लोगों का इंटरव्यू देखा था कि दरभंगा से भी क्रैक किया जा सकता है तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से पढ़ूंगी दरभंगा से ही पढ़ूंगी फिर यहाँ मैंने इंडिविजुअल ट्यूशन्स लिए ट्यूशन्स के टाइमिंग जैसे कुछ ट्यूशन्स मैंने फिजिक्स के ट्यूशन सुबह सात बजे थे केमिस्ट्री के ट्यूशन शाम में एक बजे थे और बायो के ट्यूशन दो बजे थे तो ये सारे टाइमिंग के बीच में साथ साथ तो सब ने मैं स्टार्टिंग में सा... और एक मैंने एक्स्ट्रा में मैथ्स भी लिया था तो मैथ्स के ट्यूशन लगभग नौ बजे थे तो इन सारे टाइमिंग के बीच में ना सब लोग ये सब सोचते थे कि कैसे मैनेज होगा तो मैं इस टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करके लेती थी जैसे सात से आठ फिजिक्स पढ़ने के बाद क्या करती थी आठ से नौ में ना जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उसके साथ हम लोग मिलकर एक हेल्दी डिस्कशन कर लेते थे जैसे जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा या जो बायो का ही कुछ पढ़ा फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हम लोग साथ में ही कर लेते थे वहीं पर बैठे बैठे फिर नौ से दस मैथ्स के ट्यूशन करने के बाद जब वापस मैं घर आती थी तो नाश्ता करने के बाद मैं यही सोचती थी कि अरे अब तो थोड़ी देर में जाना है बहुत सारे बच्चे तो यही सोचेंगे कि अब थोड़ी देर में जाना है उस टाइम में एक पॉजिटिव थिंकिंग लेती थी कि अगर मैं नॉर्मली अगर कहीं मुझे जाना भी नहीं रहता तो मैं कितने देर पढ़ती दो घंटा ढाई घंटा तीन घंटा उसके बाद तो तो मेरे को ब्रेक ब्रेक चाहिए वही वही मेरा क्या कोचिंग के रूप में मैं लेती हूं। तो वही मैंने ऐसे साढ़े दस से साढ़े बारह या पौने एक तक पढ़ा फिर उसके बाद खाना खा मैं के मैं ट्यूशन की तरफ चली जाती थी और मैंने पढ़ने का शेड्यूल कुछ इस तरह से रखा था कि जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जैसे सब लोग बोलते हैं कि फिजिक्स बहुत ही हार्ड होता तो मैंने फिजिक्स को सबसे टाइम में रखा जिस टाइम में मेरा कंसेंट्रेशन लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है जैसे कि कि स्कूल से ही हमें सिखाया जाता है शाम को दो तीन घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने वही रखा कि शाम को नाश्ता करने के बाद से जब तक तक फिजिक्स फिजिक्स का आज का आज कंप्लीट ना हो जाए तब मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगी तो यही मैंने सोचा और शाम को हमेशा फिजिक्स रखा और ट्यूशन से आने के बाद थोड़ा माइंड थका हुआ रहता है और बायो थोड़ा पीसफुल सब्जेक्ट थे तो उस टाइम में बायो रखा और बीच के टाइम में मैंने केमिस्ट्री को रखा एलेवन तो इसी तरह हंसी खुशी में बीत गया फिर जब ट्वेल्थ में मैं गई तो ट्वेल्थ में हमारे पास दो ऑप्शन होते या तो आप बोर्ड के प्रिपरेशन करने लोगों या फिर आप अपने पुराने गोल नीट के लिए फोकस हो मेरे मन में मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे कि अगर मैं ट्वेल्थ में टॉप भी कर जाती हूँ तो सब लोग मुझे कितने दिनों तक याद रखेंगे एक साल दो साल तीन साल हर साल नए नए टॉप पर आते हैं वो तो मुझे भूल ही जाऊंगे और हमसे भी अच्छा करके जाएंगे तो क्यों ना मैं नीट अगर मैं निकाल लेती हूँ तो मेरा लाइफ तो मतलब एक एक लाइफ में एक, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी कि एटलीस्ट पाँच साढ़े पाँच साल तक हम एक रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ेंगे और अगर अच्छे से पढ़ने के बाद अगर हम किसी लोगों का दुख दूर करते हैं तबीयत ठीक करते हैं उनको ट्रीट करते हैं तो वो पेशेंट तो लाइफ टाइम मुझे दुआ देगा तो क्या ही फ़ायदा बस एक बोर्ड्स तो और अगर मैं शिदत से पढ़ाई करूँगी अभी ट्वेल्थ जब मैं नीट क्रैक कर रही हूँ तो क्या ट्वेल्थ में मेरे को पासिंग मार्क नहीं आएंगे तो यही मैंने सोच के लास्ट टाइम तक एटलीस्ट चाहे कितना भी लास्ट हो लगभग लग मेरा छः फेब से एग्जाम था बिहार बोर्ड से मैंने एलेवे ट्वेल्थ किया था तो मेरा छः फेब से एग्जाम था मैंने छब्बीस जून छब्बीस जनवरी तक पूरा ही मैंने बस नीट के लिए पढ़े थे बस लास्ट के कुछ हफ्तों में मैंने बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा था और बोर्ड्स के लिए पढ़ा था प्लस मेरे साथ एक और ये प्रॉब्लम आई थी कि ट्वेल्थ में ना ये होता है कि सब लोग क्या करते हैं कि ना आगे ट्वेल्थ के ही उम में इतना ज्यादा आगे हो जाते कि वो अलेवंथ को रिवीजन करना भूल जाते मैंने ऐसा कभी नहीं किया मेरे मन एक ही कहता था, था कि भले हम आगे का नहीं पढ़े आगे का अगर मैं भूल जाती हूँ लेकिन आगे का नहीं पढ़ो वो चलेगा आगे का बैकलुक लगे लेकिन पीछे का कभी भी छूटना नहीं चाहिए मैं हमेशा यही करती थी कि सुबह में जैसे चार बजे सब लोग बोलते थे कि अच्छा कंसंट्रेशन आता है तो मैं भी कोशिश करती थी सुबह चार बजे उठने का तो सुबह चार बजे ही उठ के मैं उस टाइम अलेवंथ का बायो को रिविजन करती थी और शाम में जिस टाइम में तीन बजे के करीब जब मैं मैं ट्वेल्थ ट्वेल्थ का बायो देख लेती थी फिर बीच में केमिस्ट्री रखती थी उस टाइम में और रात को वही फिजिक्स का टाइमिंग रखती थी और जब भी, भी मुझे छुट्टी मिलता था वैकेशन मिलता था उस टाइम में मैं अलेवेंथ पढ़ती थी क्योंकि यही मेरे लिए था कि अलेवन्थ भूलना नहीं है वो भूल गए तो लगभग लगेगा कि नीट की कॉम्पिटिशन से पहले ही बाहर है और एक और प्लस पॉइंट मेरे साथ ये था कि कोचिंग का टेस्ट को ना मैंने हमेशा सीरियसली लिया था कि जैसे कि अगर कोई कोचिंग में कोई चैप्टर्स का टेस्ट हो जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट हो गया या फिर किसी भी चैप्टर का टेस्ट हो काइनेमेटिक्स का टेस्ट हो उस चैप्टर को आप इस तरह करके जाओ उसके सारे मतलब पास्ट ईयर पेपर्स देख लो जितना भी आपके पास सोर्से जे एमसी क्यू है वो सारे बना लो जितना भी आप जो भी बुक कर रहे हो सारे कर लो इस तरह से करके जाओ जैसे कि वो चैप्टर आप नीट के लिए करके जा रहे हो ये सारे के बाद जब मैंने बोर्ड्स दिया बोर्ड्स में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे फिर जब बारी आई नीट की तो लास्ट टाइम में बीच में तीन चार मंथ में मेरे साथ ये हुआ था ट्वेल्थ टाइम में अपेडिंग टाइम में देने पे कि उस टाइम में ना थोड़ा मेरा फोकस लूज हो गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि टीचर्स अच्छे से लास्ट टाइम आपको गाइड नहीं करते फिर करते भी है तो मैंने जाना कोचिंग सब उस टाइम में छोड़ दिया था तो खुद से अपने से हो नहीं पाया तो वो कंसिस्टेंसी मेरा मेनटेन नहीं रह पाया फिर जब मैंने उसके साथ नीट दिया फिर भी खुद से करने के बाद जब मैंने नीट दिया तो उस टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे फोर नाइन्टी वन मार्क्स थे तब देने के बाद मुझे यही लगा कि कहीं हो जाए सिलेक्शन तो लेकिन नहीं हुआ तो ना उसके बाद वो रिजल्ट देखने के बाद ही मेरी आंखों में आंसू आने रुक ही नहीं रहे थे ये कि खाना भी मैंने नहीं खाया था उस दिन फिर उसके बाद भैया ने मेरे को कॉल किया तो सबने उनको बोला कि उसको समझाओ तो उन्होंने कॉल करके यही बोला कि क्या तुमने अपना बेस्ट दे दिया तुमने अपना हंड्रेड परसेंट इसमें दिया लास्ट दिन तक तुम क्या कंसिस्टेंसी थे सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो तुम्हें आते थे तो मैंने डायरेक्ट उन्होंने बस बोला अभी जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है तुम खुद को ये जवाब दो हमको मत दो खुद को ये जवाब दो फिर मैंने सोचा कि नहीं बहुत सारे जैसे ऑर्गेनिक मुझे अच्छे से नहीं समझ में आता था इनऑर्गेनिक नहीं अच्छे से समझ में आता था ये हो गया फिजिक्स के थर्मोडाइनमिक्स वाले पोर्शन वीक थे तो ये कहीं कही ना कहीं यही सारे मेरे वीक पॉइंट है ना तो फिर इसीलिए फिर मैंने उनको बताया नहीं मैं वापस से मैं ट्राई करूंगी मैं फिर से दूंगी फिर जब मैंने दूसरी बार जब नीट दिया तो उसमें मेरे सिक्स हंड्रेड सेवन मार्क थे वि हज़ार तीन सौ उन्नीस स्ट्राइक और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को जो मैंने बताया वो लोग खुश हुए तो उन लोगों के मन में ये भी था कि अब शायद ये हम लोगों से दूर चली जाएगी शायद तो लेकिन उन लोगों को मेरे नीड से ज्यादा की खुशी के बाद उन लोगों को इस बात का खुशी हुआ कि मैंने अपने होम टाउन डीएमसीच में एडमिशन लिया तो इस बात को उन्हें ज़्यादा खुशी हुआ तो इस तरह से ये थी मेरी कहानी लेकिन ये दे, देखा आप सबों ने कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 491 मार्क्स थे और सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे 607 मार्क्स थे तो इतने सारे मार्क्स का गैप बस कुछ स्ट्रेटजीज से आई जो कि मैंने जहाँ पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सारी गलतियाँ की उसको मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में सुधारा जैसे कि गलतियों को लेकर ये देख ले कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं दिए थे बिना टेस्ट दिए हुए डायरेक्ट मैं वहाँ उस टी वो डायरेक्ट नीट में ही बैठ गई तो एक ये थी कि मुझे अपनी गलतियों का ज्यादा एहसास नहीं था कि कहाँ पर मैं लैक कर रही हूँ किस टॉपिक पर मुझे ज़्यादा मेहनत करना है तो एक ये हो गया प्लस दूसरी गलती मैंने ये भी की थी कि लास्ट टाइम में मैंने अपना फोकस लूज कर दिया था लास्ट टाइम में मैंने ये समझ लिया था कि ठीक है देखा जाएगा नीट सब पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम में कि लास्ट टाइम में मैं अच्छे से फोकस नहीं रख पाई थी तो एक ये भी गलती हो गया और प्लस ये था कि एन को थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम में इग्नोर किया था इस वजह से भी मेरा ये हुआ कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री के को अच्छे से फोकस नहीं करती थी तो एक ये भी गलती हो गया और प्लस यही सारी गलती थी और इन सब को मैंने रिमूव कैसे किया तो रिमूव करने के लिए मैंने कुछ ये सारे तरीके अपनाए कि जो भी टेस्ट दिए कि मैंने जो भी टेस्ट दिया उसमें मैंने गलती तो होती थी वहां भी मैंने गलती होती थी मार्क्स जाते थे तो उस गलती को मैं क्या करती थी एडर कॉपी बनाती थी उस एडर कॉपी में मैं जैसे कि मान लो काइनेमेटिक्स का टेस्ट दिया उसमें मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ तो उस क्वेश्चन के साथ उस आंसर को लिख लेती थी कि हाँ इसमें मेरे यहाँ पे गलती हो रहा है ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई नहीं किया फिर अगर मान लो कि आगे जाके फेज टेस्ट टेस्ट ये सारे जब टेस्ट होते थे अगर वो चैप्टर पूछे जा रहे तो उस, उस कॉपी से मैं उस चैप्टर उस एडर्ड कॉपी को जरूर रिवाइज करके जाती थी कि कहाँ पे मैं लैग कर रही और और यही कॉपी जो है ना मैं नीट से एक वीक पहले भी रिवाइज करके गई थी जो कि क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कहां कर रहे सब लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट लेकिन आज मैं इस लाइन को करेक्ट करना चाहती हूँ परफेक्ट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा सही डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा आगे क्योंकि डायरेक्शन आप इजी क्वेश्चन कोई दस बार कर रहे वो तो नहीं है ना अब अपनी गलती से कहाँ सीखिए उसको आप रिवाइज करके जाओ जब आपको पता है बॉल ऊपर जाएगा नीचे आएगा ये फॉर्मूला सब तो ये सब तो लगेगा कहाँ पे गलती कर रहा है तो उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करें और प्लस जो है ना हमेशा ना हर समय पॉजिटिव रहे है ऐसा भी हार्ड सिचुएशन हो उसमें किस तरह से फोकस करना है जैसे कि ये देख लो वो एक लाइन कहते हैं ना आपदा में अफसर को ढूंढना वो आपको ढूंढना है तो मैं आप लोगों को एक सिचुएशन देती हूँ ऐसा सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ कि मान लो कि कल आपका टेस्ट है कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फेज टेस्ट है उस टेस्ट में आपके पास बहुत सारे पोर्शन है लेकिन बाय मिस्टेक या फिर किसी भी फॉल्ट की वजह से आपके एरिया की लाइट कट गई है बाई चांस इन्वर्टर भी डाउन है तब आप क्या करोगे उस सिचुएशन में तो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट रहेंगे वो तो यही कहेंगे कि चलो आप सो जाते हैं आप थोड़ी ना पढ़ाई कर पाएंगे लेकिन अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो आपके मन में यही आएगा कि आप इसमें पहले खुशी को ढूंढ देंगे और एक लाइन खुद को बोलते थे मैं हमेशा खुद को वो लाइन बोलती जब भी बिहार सिचुएशन आता है कि गॉड हेल्प्स हेल्प्स हु हेल्प अगर लाइट रहता फैन चल रहा रहता कूलर चल रहा रहता अगर मेरे को सारी सुविधाएं मिलती तो मैं आराम से मेरे को नींद नहीं आ जाता टाइम पे दो या तीन बजे ज्यादा से मैं इतना ही पढ़ पाती लेकिन अगर लाइट नहीं है तो गर्मी की वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी मतलब मेरे पास फुल घंटे का पैकेज है कि फुल टेस्ट रिविजन करने का और अगले जाके एक्सेल करने का तो यही होता था मैं हर सिचुएशन में लगभग पॉजिटिविटी थी जैसे फर्स्ट में मेरा नहीं हुआ था तो जब भैया के समझाने के बाद मैंने खुद को ये मोटिवेट किया अरे अगर हो भी जाता तो मतलब बहुत सारे चैप्टर्स तो मैं बिना पढ़े ही दे देती ना तो इससे अच्छा कि नहीं हुआ कि मैं उस पॉइंट पर आगे चल के जाके फोकस करूँ यही शायद भगवान जी चाहते थे तो हर पॉइंट पे यही बोल रहे हैं कि लाइफ में पॉजिटिविटी दो दो और ये मोटिवेशन का सोर्स जो है ना ये बाहर से नहीं आता मोटिवेशन आपके अंदर खुद आता है जिस दिन आपके अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है करना है तो बस एक ही इंसान है जो कि आपको खुद रोक सकता है ये करने से वो है आप खुद तो जिस इंसान को आप शीशे में देखते हो उसे बस यही कहो कि मुझे कुछ करना है कि मुझे बहुत ही अच्छा करना है बेस्ट करना है और आपका टारगेट ये नहीं रहना चाहिए कि आपको बस नीट निकाल के किसी भी एक नॉर्मल से कॉलेज में कहीं भी एडमिशन ले लेना आपका टारगेट बेस्ट ही रखना है सपने ही देखना है ना तो सबसे बड़ा देखो बड़े से बड़ा है क्यों ना देखो ये सोचो कि हमको देश के सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट एम्स इंस दिल्ली में जाना और वो अगर नहीं हुआ तो अगर वहां से अगर वो अगर अचीव नहीं हुआ बाय चांस किसी वजह से आप लैक करोगे तो उसके अगर नीचे जाओगे तो कहीं दिल्ली के कॉलेज में तो आके रुकोगे अगर वो भी नहीं मिला तो एटलीस्ट आपका स्टेट का कॉलेज कौन आपसे छीन रहा है इसलिए थिंक बिट हमेशा जो है ना बड़े से बड़ा सपना देखो आने वाले सभी नीट स्पीडेंट जो कि नीट का एग्जाम देना चाह रहे हो या देने का सोच रहे हो अटेम्प्ट लेना चाह रहे हो उन सबों को ऑल द वेरी बेस्ट आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए जम के अच्छे से मेहनत कीजिए अगर जिनका हो गया होगा उनको बहुत ही बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाइए प्लस ये भी जिनका नहीं भी होना हुआ ना वो हताश नहीं हुई आप अगर मेहनत कर रहे हो तो कोई नहीं भगवान ये जरूर देख रहे हो और वो आपको इसलिए नहीं दिए ताकि आपको अगले चांस जो है ना इससे भी बेहतर देंगे तो आप जम के मेहनत कीजिए बस कभी भी खुद को होप नहीं करना हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें? और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में तो एक कोचिंग और मान गई है नीट प्रेप अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी हम घर बैठे नीट प्रेप से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एडमिशन भी ले सकते हैं और ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट्स हैं कि कौन से कोर्स में एडमिशन लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सकता है तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जो स्टॉक्स आपका कांटेक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा तो कोचिंग अब आपको खुद कांटेक्ट करेंगी तो आप जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है जय हिंद